नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माँ के नवरात्रि जब आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। हर जातक, हर एक भक्त माँ की भक्ति में रंग जाता है। लेकिन माँ के जाने का जब समय नजदीक आता है तो हर भक्त यही चाहता है कि माँ जाने से पहले सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाए हमारी, यानी लिस्ट का अगर कोई हिस्सा रह गया है तो वो हिस्सा भी जल्दी से जल्दी सारी मनोकामनाएं के द्वारा पूर्ण हो जाना चाहिए। ऐसा ही करती है माँ। जाने से पहले जब भी कोई भक्त कुछ मांगता है माँ से, वो जरूर पूरा करती है। अब जाने का जो समय है, जैसे वो डोली पर ही सवार होकर आई थी, डोली पर ही सवार होकर के वापसी है उनकी, यानी डोली पर सवार होकर आने का कहीं ना कहीं ये संकेत होता है कि ये नवरात्रि बहुत शुभता तो नहीं दिखाए, पर माँ आई है तो नुकसान भी नहीं करती अपने बच्चों का। तो ऐसे में क्या ऐसी विधियां की जाए जाने से पहले माँ आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। एक बहुत ही सॉलिड टोटका है, एक उपाय है, एक रेमेडी है। अगर आप जाने से पहले ये रेमेडी कर लेते हैं तो माँ जाते जाते भी आपकी झोलियां भर देगी। चुनरी लेकर के रखिएगा, एक चुनरी, कम से कम इतनी चुनरी हो कि आपके हाथ से लेकर के आपके कंधे तक का वो साइज हो। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटी छोटी चुनरियां नहीं लेनी है आपने। ये हाथ की जो बड़ी फिंगर है जहां से स्टार्ट होती है, वहां से लेकर के आपके कंधे के जोड़ तक की चुनरी कम से कम होनी चाहिए। इससे बड़ी भी ले सकते हैं लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। लाल रंग की चुनरी, साइज मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपने ये उपाय करना कब है? नवमी के दिन। नवमी का जो समय है, विजयदशमी से पहले पहले आपने ये उपाय करना है। नवमी की रात्रि का ये उपाय है, यानी 14 तारीख की रात को आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस 15 तारीख को भी कुछ करना पड़ेगा। यानी जो प्रोसेस हम 14 की रात में शुरू करेंगे, जो विधि, जो टोटका हम 14 की रात को शुरू करेंगे, उसे 15 तक आपने उस उपाय को, रेमेडी को करना है। 14 की रात को 9:18 से लेकर के 11:18 के बीच में ही आपने इस उपाय को करना है। 9:18 से लेकर के 11:18 के बीच ही आपने इस उपाय को करना है। अब करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले जो चुनरी ली है आपने, और साथ के साथ आपको 8 सुपारियां लेनी है। चुनरी, 8 सुपारियां और 4 सिक्के, 1-1 रुपए वाले सिक्के। सबसे पहले आपने चुनरी के चारों कोनों में 2-2 सुपारियां बांध लेनी है और 1-1 सिक्का रखना है। ध्यान रखिएगा, 9:18 रात्रि से लेकर के 11:18 तक ही आपने ये उपाय करना है। 2-2 सुपारियां और 1-1 सिक्का माँ की चुनरी के चारों कोनों में आपने बांध देना है। वो चुनरी आपने माता रानी के चरणों में रख देनी है। लगभग 15 तक ये चुनरी माता रानी के पास रहनी चाहिए। उसके बाद आपने उस चुनरी को अपनी झोली में लेना है और एक माला जाप करना है, स्फटिक की माला से, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है एक माला, और उसके बाद आपने ये चुनरी उठानी है, फिर से आपने माँ के पास में रख देनी है। ये चुनरी वही रहेगी रात भर। अगली सुबह विजयदशमी के दिन, कहते हैं ना कि हर काम पर अगर आपने विजय पानी है तो विजयदशमी के दिन कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। विजयदशमी के दिन आपने सुबह सुबह उठना है, नहाना धोना है, फिर से चुनरी अपनी झोली में रखनी है
ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का फिर से एक माला जाप करना है। चुनरी फिर से उठा करके माँ के चरणों में माँ के पास रख देनी है। शाम को सूर्य अस्त के बाद लगभग 7 बजे के आसपास आपने इस उपाय को करना है। चुनरी उठानी है, उसमें से आपने सुपारियां निकालनी है, उसमें से 4 सिक्के भी निकालने हैं। सुपारियां आपने अपने पर्स में रख लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है, घबराहट होती है, फीमेल है या मेल है, मन बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी रहती है, तो 2 से लेकर के कितनी भी सुपारियां रख सकते हैं, यानी 2 सुपारियां। कुछ लोग अगर होते हैं ना कि घर के बहुत सारे सदस्यों के पास उन सुपारियों को रखना चाहते हैं, तो 2 सुपारियां आप दे सकते हैं हर किसी को। सारी सुपारियां इकट्ठी भी रख सकते हैं, वरना 2 सुपारी बच्चों को, 2 सुपारी अपनी पत्नी को या फिर पति को, 2 सुपारी आप किसी अपने घर के ऐसे सदस्य को जो प्रॉब्लम में है, परेशानी में, तो ये 2 सुपारियां आपने उस व्यक्ति को दे देनी है, अपने पास ही रखनी है। चैत्र नवरात्रि तक ये सुपारियां अपने पास रखे, और चैत्र नवरात्रि जब आए तो इन सुपारियों को आपने निकाल देना है। तब आपने फिर से दोबारा से एक नया टोटका हम बताएंगे जो कि आपने जरूर करना है। अब आती है बात की सिक्के, 4 सिक्के। 4 सिक्के बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों दिशाओं से धन लाएंगे आपके पास, ध्यान रखिएगा। उसे आपने लाल कपड़े में बांधना है, 4 चुटकी उसी के अंदर सिक्कों पर ही सिंदूर डाल करके ही उसकी पोटली बनानी है, और ये सिक्के आपने अपनी अलमीरा में, अपनी तिजोरी में रख देंगे। आपके घर में धन भी बढ़ेगा, सुख समृद्धि भी होगी, घर का हर व्यक्ति, हर सदस्य सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना टेंशन के रहेगा, और तो और तरक्की भी आपके कदम चूमेगी। लेकिन जब आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी श्रद्धा एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। जहां डाउट आता है ना, वहां काम की गुंजाइश कम हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम लोग रत्न पहनते हैं या फिर हम कोई पूजा करते हैं, पता नहीं कुछ होना या नहीं होना, शायद होगा या नहीं होगा, होना है। ये टेम्परामेंट हर व्यक्ति का होना चाहिए कि जो भी हम पूजा भक्ति कर रहे हैं उससे हमें लाभ मिलेगा, उससे हमें लाभ होगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो जब हम ऐसी भावना रखते हैं, जब हम ऐसी सोच रखते हैं, तो हमें लाभ भी वैसे ही मिलते हैं। तो इसीलिए आपने इस उपाय को बहुत ही श्रद्धा से, शक्ति से, बहुत पॉजिटिव होकर के करना है। इसमें नेगेटिविटी की आपकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी माँ से कुछ मांग रहे हैं तो वहां नेगेटिव क्या सोच है, माँ तो कभी भी आपको खाली रखती नहीं है, माँ कभी भी आपकी झोली खाली रखेगी नहीं। तो पॉजिटिविटी आपने जरूर रखनी है हर उपाय को करते हुए। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। हो सकता है किसी खास व्यक्ति को इस वीडियो की बहुत जरूरत हो सकता है आप ही माध्यम बने किसी दूसरे के जीवन में बदलाव लाने का, और आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी अगली वीडियो का आपने इंतजार जरूर करना है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि दीपावली के टाइम पर कुछ खास उपाय होते हैं, वो हमें जरूर करने चाहिए। धन पोटली हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, हर एक घर में होनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि भी आती है, इससे धन भी आता है, इससे खुशियां भी आती है, और इससे आप परेशानियों से मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो धन पोटली अपने घर में जरूर रखें। धन दीपक अगर आप जलाते हैं तो चारों दिशाओं की आपकी ब्लॉकेज जो होती है, जो काम रुकते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, वो सारी ब्लॉकेज आपकी दूर होती है, आपके रास्ते खुलते हैं, काम के रास्ते खुलते हैं। तो अगर धन पोटली, धन दीपक आपने अभी तक बुक नहीं करवाया है तो जरूर करवाइए, क्योंकि ऐसा मौका साल में एक ही बार मिलता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।